हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट असाइनमेंट लेके आए हैं, हाउ टू मेक अ क्राफ्ट। तो यहाँ पे हम किस तरीके से पेपर का क्राफ्ट बना सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3D स्टार बनाए हैं। इन्हें आप एज अ डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं या फिर आप अपने असाइनमेंट में दिखा सकते हैं, बीएड के असाइनमेंट में। काफ़ी अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, आप इनसे किसी भी तरह का डेकोरेशन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास एक इस पेपर को हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें लेना है स्क्वायर साइज़ के पेपर हमें लेना है, मतलब जिनकी चारों की चारों साइड्स बराबर हों। मेरे पास था नहीं तो इस वजह से मैं इसे, आप देख सकते हैं, इसे डायगोनली मैं इसे इस तरीके से रखूँगी और फिर से कट कर दूँगी इसका एक्स्ट्रा पार्ट। तो मेरे पास एक स्क्वायर साइज़ का पेपर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें दो पेपर चाहिए, दो पेपर से हम एक स्टार, यानी कि एक इसके आगे वाला हिस्सा और एक इसके बैक साइड का हिस्सा, ये दोनों बनके हमारे तैयार हो जाएंगे। पेपर का कलर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे पिंक कलर का पेपर लिया है, ये भी काफ़ी क्यूट लग रहा है। तो इस तरह से हम कट कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं दो पेपर यहाँ पे आ गए हैं स्क्वायर साइज़ के। अब हमें सिंपली इन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है। आप देखो, मेरे को सिर्फ यहाँ पर जो है लाइन्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनके कॉर्नर को फोल्ड कर रही हूँ, अब इसके साइड के हिसाब से इसे फोल्ड करूँगी। तो मेरे पास जो है एक पूरा जो है लाइंस मेरे को मिल जाएंगी। इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर मुझे काफ़ी सारी लाइंस मिल गई हैं। अब मुझे क्या करना है, जो ये साइड के हमने बाद वाले फोल्ड करे थे, इनमें हम थोड़ा थोड़ा सा कट लगा देंगे। एक सीज़र के नाप के बराबर मैंने यहाँ पर कट लगा दिया है। अगर आपकी बड़ी सीज़र है तो आप थोड़ा सा ही कट लगाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा कट हो जाएगा वरना। और फिर इसे हमें इस तरीके से दोनों साइड से फोल्ड करना है, ऐसे करके। जिस साइड आपने कट किया था उस एरिया को आपको फोल्ड कर देना है अंदर की ओर। नेक्स्ट साइड को भी आपको इसी तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करना है। यहाँ पे आपको दोनों को जो है बराबर पे मिलाना है, ताकि आपका जो स्टार है उसको वो काफ़ी अच्छा दिखे और उसके जो एंगल्स हैं वो काफ़ी शार्प निकल के आए। तो यहाँ पे हमने अपने और भी ज़्यादा असाइनमेंट डाले हुए हैं बीएड के असाइनमेंट्स। अगर आपको चाहिए कि आर्ट एग्जीबिशन का असाइनमेंट है, कला प्रदर्शनी का असाइनमेंट में, आप इन्हें ले सकते हो। आप इनसे कुछ भी डेकोर कर सकते हो, चाहे आप कुछ भी बना लो, मतलब कोई क्रिसमस ट्री बना लो, उसमें आप छोटे छोटे से स्टार लगा सकते हो इस तरीके से, या फिर आप कोई वॉल चेन आती है दरवाजों पे सजाने के लिए भी आता है, उस पर भी आप इसे लगा सकते हो स्टार। बहुत सारे स्टार बना दे और उन्हें जो है किसी एक थिक पट्टी पे इस तरीके से उन्हें डेकोरेट कर दिया, या फिर आप विंड चेन बना सकते हो इन विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार। तो इस तरीके से आप काफ़ी सारे क्रिएटिव दिखा सकते हो, क्रिएटिविटी कि मतलब आपको क्या क्या बनाना है। तो यहाँ पे मैं जो है अपना प्रीवियस जो मैंने स्टार बनाया था उसी का प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। इसे फोल्ड कर देना इस तरीके से। बीएड के बाकी भी असाइनमेंट जो है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर के भी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, थर्ड सेमेस्टर के भी। तो ये सारे असाइनमेंट हमने अपने इस चैनल में डाले हुए हैं। अगर आपने देखे नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाके हमारे बीएड असाइनमेंट नाम का एक फोल्डर है, उसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कम्प्लीट असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। और क्योंकि मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि और भी असाइनमेंट बताइए, सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट बताइए, तो इस तरीके से तो उन लोगों के लिए, सभी के लिए है कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं जो है अपनी प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि तभी हमें लगेगा कि हाँ आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और हम और भी ज़्यादा वीडियोज़ को आपके लिए अपलोड कर पाएंगे। कुछ टाइम बाद हम अपने लेसन प्लान की सीरीज़ भी यहाँ पे जो है लेकर के आने वाले हैं, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने स्टार को आप देख सकते हैं ग्लू की हेल्प से हमने जो ये दो साइड इसके फोल्ड करे थे उनको हम थोड़ा सा अंदर की तरफ को लेकर के इस तरह से हल्का सा दबा करके उन्हें हम यहाँ पर सिक्योर कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके जो बैक साइड का जो पेपर है वो थोड़ा उठ जाएगा, जैसे मैंने जो दूसरा स्टार वहाँ पे रखा है उस तरीके से उसमें जो है 3D प्रिंट टाइप के आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें ये करना है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और ये थोड़ा आगे की तरफ से इस तरीके से एक 3D प्रिंट में आ गया है। तो इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है और
जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें दोनों को सिक्योर कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे हमारे दोनों के दोनों स्टार जो है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसके कॉर्नर पर ग्लू लगाना है इस तरीके से, इस पूरे एरिया पे आपको ग्लू लगाना है ताकि जब आप इसे सेट करो इन दोनों को इस तरीके से तो ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए। और फिर आप इसका यूज़ एज अ होम डेकोरेशन कर सकते हो, आप वॉल डेकोरेशन कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में अब जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है उस एक और मैंने क्राफ्ट रखा है इसी वीडियो में, तो उसे भी देख लेते हैं। उस पे हमने क्या है कि हम कितने टाइप के फ्लावर्स हम बना सकते हैं एक पेपर से। तो यहाँ पे हमने एक ऑरेंज कलर का पेपर लिया है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्वायर साइज़ का ये पेपर है, इसे हमने सिंपली फोल्ड करा है इस तरीके से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर हमने इसे एक और बार फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं इसका एक कॉर्नर जो है एक साइड से बंद है कॉर्नर और एक साइड से खुला हुआ है। अब क्या करना है आपको पेन से जो है जिस डिज़ाइन का आपको फ्लावर चाहिए उस डिज़ाइन का आपको शेप यहाँ पे तैयार कर देनी है, ठीक है। हमें जो है अभी राउंड शेप में फ्लावर चाहिए तो हम इसे कट करेंगे, तो ये हमने कट कर लिया है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना खूबसूरत एक फ्लावर हमें मिल गया है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे आई थिंक 6 टाइप से फ्लावर बनाना बताया है कि किस तरह से आप 6 तरह के आप फूल बना सकते हो काफ़ी इजीली। तो यहाँ पे मैं एक ग्लिटर शीट का यूज़ कर रही हूँ इसके बीच इसके मिडल पार्ट में ताकि और ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा फूल लग रहा है। आप इसे अपने आर्ट एग्जीबिशन की जो फाइल होते हैं उसके बाहर लगा सकते हैं, अपने फाइल को और ज़्यादा डेकोरेटिव दिखाने के लिए कर सकते हैं, या फिर आप अपने बीएड की और भी जो एक्स्ट्रा आपकी फ़ाइल होती है उन पे भी अगर आप इस तरह से फ्लावर का यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगता है और आपके जो असाइनमेंट है उसे काफ़ी यूनिक बना देता है। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, नेक्स्ट पेपर मैंने लिया है और उसके भी मैंने इस तरह से फोल्ड किया है, आप देख सकते हैं दो बार मैंने फ़ोल्ड किया था, अब ये तीसरी बार मैंने फ़ोल्ड किया है इसे। तो यहाँ पे हमने इसे आपको बिल्कुल उसके कॉर्नर ठीक से रखना है तभी आपके जो है फ्लावर जो है ठीक ढंग से बनेगा बिल्कुल। तो इस तरीके से ये हो चुका है। नेक्स्ट अब हम कौन सा वाला डिज़ाइन बना रहे हैं, तो अब हमें जो है थोड़ा लंबे में चाहिए। ये जो हमने लिया था ये बिल्कुल राउंड फ्लावर था, अब जो है हमें इसी पेटल्स को क्या करेंगे थोड़ा और ज़्यादा लंबे करेंगे, ये देखिए इस तरीके से इसे हमने ज़्यादा कट किया है। तो अब हम इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिखता है, ये देखिए काफ़ी डिफरेंस है दोनों फ्लावर्स में, दोनों फ्लावर का जो है मेथड काफ़ी अलग है, प्रोसेस सेम है बस कटिंग की वजह से इनका मेथड थोड़ा अलग हो गया। तो यहाँ पे मैंने येलो का जो पेपर रह का था उसे मैंने इसे और ज़्यादा डेकोरेटिव कर दिया है। नेक्स्ट मेरे पास एक ब्लू शीट है, ये भी हमारी स्क्वायर शीट है, इसे हमने आप देख सकते हैं फोल्डिंग का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है फ्लावर के लिए, आप कोई भी फ्लावर बनाओ। इस तरह से दो बार ये फोल्ड किया है, अभी इसे हम तीसरी बार एक और बार फोल्ड करेंगे। तीसरी बार फोल्ड हमारा हो चुका है ये, अब टाइम है इस पर जो है डेकोरेट करने इसे मतलब शेप देने का कि हमें कौन सी शेप चाहिए अपने फ्लावर में। तो यहाँ पर मैंने हार्ट शेप का बनाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप पेंसिल का यूज़ कीजिएगा क्योंकि फिर वो पेन दिखेगा ना। तो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, अब इसे ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके का दिखता है। तो आप देख सकते हैं कैसा दिख रहा है, यहाँ पे मैंने फिर एक ग्लिटर पेपर का कटिंग करके इसे डेकोरेट किया है। नेक्स्ट जो शीट है उस पर हम फिर से एक और पेपर फ्लावर बना रहे हैं, फोल्डिंग का प्रोसेस आप एक दो बार बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा क्योंकि ये बहुत ही इजी होता है, इसे सिर्फ दो या तीन बार आपको फोल्ड करना होता है। अब हमने जो है पिछले से थोड़ा चेंज करते हुए बनाया था, जो हमने सेकंड नंबर पे बनाया था फ्लावर वो राउंड था ऊपर से बट ये एकदम शार्प है ऊपर से, तो ये इस तरीके का फ्लावर है और इसके बीच में भी हम एक राउंड जो है कटिंग पेपर की लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने 6 फ्लावर 5 ही हुए हैं, अब एक और बना देते हैं। 6 फ्लावर का मैं आपको यहाँ पे वीडियो दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम 6 डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स को बना करके अपने असाइनमेंट्स को और भी ज़्यादा डेकोरेटिव दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है फोल्ड कराया हम और अब तीसरे टाइम फोल्ड करा है और इस बार मैंने जो है इसे
एकदम शार्प दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधी लाइंस मैंने यहाँ पे खींच करके दिखाई हुई है। स्टार की जो जो ऐसा स्टार होता है ना, उसके जो शार्प कॉर्नर होते हैं वैसे ये। तो अब हम इसे जब ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का फ्लावर दिखेगा। ये बेसिकली स्टार भी आप इसे मान सकते हो। अगर आपको जो है 3D स्टार नहीं बनाना है, पेपर स्टार बनाना है सिंपली, तो आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हो। नेक्स्ट मैंने एक और जल्दी जल्दी मैं फोल्ड कर दिया, क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम है सभी का। तो इस पर हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके कॉर्नर में आप देखिए, इसे हम क्रिस्पी फ्लावर बना रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक क्रिस्पी फ्लावर की वीडियो अपलोड करी है अपने इस चैनल पे, वो भी आर्ट एग्जीबिशन का एक पार्ट है, क्योंकि क्रिस्पी फ्लावर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे लाइंस आ जाते हैं उसके बॉर्डर पे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो कितना प्यारा ये फ्लावर लग रहा है। ये फ्लावर भी आप एज ए डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं अपने फाइल में, या फिर आप घर में भी डेकोरेट कर सकते हैं इससे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने कितने सारे फ्लावर्स बनाए हुए हैं। ये काफ़ी खूबसूरत फ्लावर लग रहा है, जिसे क्रिस्पी फ्लावर कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 टोटल फ्लावर्स आपको बना के दिखाए हैं गाइस। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।